अगर हमको जनता इस बार मौका दी, दुबे जी तो कॉरपोरेट घराना का उस सहारा का हिसाब किताब लेगा नहीं। को बाबा भोलेनाथ आप सबके आशीर्वाद से मेरी कलम में ताकत आई, तो वह जो सहारा का हिसाब किताब है, पहला प्रश्न लोकसभा में कोई होगा तो गुड्डा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने जनता को उम्मीद दिलाई है कि अगर वो चुन करके संसद में जाते हैं तो वहां सबसे पहला मुद्दा सहारा के भुक्तभोगियों का उठाएंगे। बता दें कि प्रदीप यादव जब भी सदन में बोलते हैं उसका असर होता है। झारखंड विधानसभा में ही देखा जाए तो उन्होंने कई मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाया, जिसके बाद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। फिर चाहे वो 27% ओबीसी आरक्षण बिल हो, जातीय जनगणना के मामले हो, पंचायत स्वयंसेवक का मामला हो आदि हो, इनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे हैं जिन सब के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अब सांसद प्रत्याशी प्रदीप यादव ने सहारा को लेकर ठोक बजाकर जो बयान दिया है उससे सहारा के भुक्तभोगियों में एक उम्मीद की किरण दिखी है। इन सब मामलों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। दिन पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था बासुकीनाथ, और ये बात सामने आई थी। हमने कहा है लोगों को सार्वजनिक रूप से कि अगर हमको जनता इस बार मौका दी, दुबे जी तो कॉरपोरेट घराना का उस सहारा का हिसाब किताब लेगा नहीं। अगर हमको बाबा भोलेनाथ आप सबके आशीर्वाद से मेरी कलम में ताकत आई, तो वह जो सहारा का हिसाब किताब है, पहला प्रश्न लोकसभा में कोई होगा तो उसका हिसाब किताब करेंगे। और किसी भी शर्त पर हम चाहेंगे कि जो संपत्ति जब्त हुई है, भाई हमारे जो लोगों ने पैसा जमा किया उसकी कैसे वापसी हो, उस दिशा में सरकार कदम बढ़ाए। बिल्कुल हमारे ये सब तो आप सब जानते हैं कि हम सब दिन अडानी से लड़े थे, सहारा कौन खेत का बोलता है। अडानी से लड़े आप सबको पता है कि नहीं, तो सहारा से भी एक बार लड़ेंगे। 20 किलोमीटर पैदल इस क्षेत्र को बचाने के लिए हम लड़े हैं कि नहीं। इसीलिए मेरा जो अपना है हम अपने तरह से करेंगे। दूसरा देखी के सबे के एक गजो सर फिटोस ना पद नहीं होते भाई जी, सबरो अलग अलग रूप छे। वहाँ धोखा दिल के सबे धोखा तेनो बात नहीं छे, बहुत तरह गरम परिवार में लोग छे। जो चुनाव है यह चुनाव हम सब के लिए जीवन मरण का चुनाव है, खास करके दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक और झारखंडी मिजाज के लोगों के लिए सबके लिए बड़ा मुश्किल का चुनाव। इस चुनाव में हम लोग हारे तो बहुत कठिन होगा, यहाँ भी कठिनाई होगा, इस क्षेत्र में भी और देश स्तर पर भी होगा। गरीब गुरुआ का सुनने वाला ये सरकार नहीं है। दिल्ली में जो सरकार है जो कहता है बड़ी बड़ी बात, एक गरीब के लिए 10 वर्ष में काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो गया महंगाई के कारण किसान आज परेशान है। जो खाद हम लोग 1/4 दाम में लेते थे आज 5 गुना दाम में लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल में है। पैसा उसमें डूब गया है, उसके लिए उसका जो सहारा श्री का जो पैसा को जब्त किया गया, उसका जो संपत्ति है उसको कम से कम नीलाम करके जो है सो सब गरीब गुरबा का जो पैसा जमा है वो वापस हो जाता है। अभी सभी लोगों का बच्ची का शादी का पैसा सर उसमें फिक्स डिपोजिट किया गया था, सब पैसा जो है सो एकदम पड़ा हुआ है, मिल नहीं रहा। त्राहिमाम है गांव घर में सर, इलाका में थोड़ा सा तो परेशान चला गया था जेल में 16 जून 2015 में निकल गया, उसकी माँ मर गई थी पैरल पर। हम पैरल पर 2015 में निकलने के बाद वो आज तक मर गया, मैं 5-7 साल तक जो जिंदा रहे तब तक वो पैरल पर ही रहे। और सारा इंडिया का अपना पैसा है, किसी सरकार से हाथ फैलाने की जरूरत कंपनी पास नहीं है। 25,000 करोड़ सहारा सेबी सेबी के पास भी है, वो सेबी वाला अगर दे तो पब्लिक को मिल जाए। अपने पास ले लिया अमित शाह, एक पैटर्न लॉन्च किया सहारा सेबी पैटर्न, उस पैटर्न में 25,000 करोड़ रिलीज कराने के एवज में पहला किस्त 5,000 करोड़ लिया, अभी 500 करोड़। अब 500 करोड़ में उन्होंने 229 करोड़ पेमेंट दिखा रहा कि 229 करोड़ पेमेंट किए, 231 करोड़ पेमेंट डकार गए। हमने यहाँ जो स्टाफ खट रहा है आपका जमाकर्ता को खोजने में खर्च हो गया। यह है सर ये बीजेपी सरकार की नीति। अमित शाह 65 लाख लोग